लेट्स लुक एट लेबर स्टैंडर्ड्स क्योंकि ये लेबर स्टैंडर्ड्स फिर अब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं डेवलप किए जाते हैं लेबर uh, स्टैंडर्ड्स वैसे तो अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए हैं दैट वाज इन अराउंड नाइनटीन ट्वेंटीज़ और से थोड़ा पहले बट uh, इसके जो बुनियाद रखी गई है दैट वाज इन लेट नाइनटीन सेंचुरी फ्रेडरिक टेलर ने इसकी बुनियाद रखी थी वन ही इंट्रोड्यूस टाइम स्टैंडर्ड टाइम्स डेवलप करना uh, जिसको हम लेटर हमने स्टॉप वॉच स्टडी भी का नाम दिया तो ये uh, उसने 1881 के अंदर डेवलप किया था जिसके बेसिस के ऊपर फिर लेबर स्टैंडर्ड्स बने और उसकी इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग uh, के अंदर भी है और सर्विस इंडस्ट्री में भी है कि एक वर्कर कितना टाइम लेता फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि जी रेस्टोरेंट के अंदर एक वर्कर कितनी देर में बर्गर बना लेगा ये एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर आप स्टाफिंग रिक्वायरमेंट भी करते हैं कि जी कितनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितना स्टाफ की ज़रूरत है आ, इंसेंटिव लेबर को अगर आपने प्रोवाइड करना है देना है तो उसके लिए भी लेबर स्टैंडर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट कि जी एक नॉर्मल एवरेज वर्कर कितने टाइम में काम परफॉर्म कर सकता है और अगर आप जल्दी कर लेंगे तो हम आपको इसमें बोनस देंगे सो दीज काइंड ऑफ इंसेंटिव्स वग़ैरह लेबर स्टैंडर्ड्स के अंदर लेबर स्टैंडर्ड यूज़ कर कर हम आ, उसको डिटरमिन करते हैं आ, इसके अंदर जो फर्म्स इसको यूज़ करती है लेबर स्टैंडर्ड्स को उसमें बेसिकली लेबर कंटेंट एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर जो आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितना कंटेंट है लेबर स्टैंडर्ड लगाया कि एक वर्कर uh, कितने यूनिट्स uh, एक घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर लेगा ठीक है उस बेसिस के ऊपर पता चल जाता है कि जो इसके कॉस्ट है उसके अंदर कितना वर्कर लेबर कॉस्ट इंक्लूड होगी कितना मटेरियल होगी और बाकी चीज़ें होंगी तो लेबर कॉस्ट उसके अंदर आ जाती है स्टाफिंग uh, करनी है तो उसकी क्या नीड्स हैं uh, कितने वर्कर चाहिए कितने uh, लोड होगा तो उसको हैंडल कितने वर्कर्स कर सकेंगे वो भी लेबर स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर इंसान कैलकुलेट करता है कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेट्स प्रोडक्शन से पहले आप डिटरमिन कर लेते हैं कि जी ये यूनिट्स बनाने इसकी क्या कॉस्ट आएगी कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा uh, तो इसके अंदर प्लानिंग वगैरह आसानी से की जा सकती है साइज़ uh, क्या चाहिए आपको कितने लोग चाहिए एक काम कंप्लीट करने के लिए वर्क uh, बैलेंस किस तरह होगा डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या होगी अगर हमारे पास एक खास नंबर है अवेलेबल टाइम स्टैंडर्ड्स हैं तो आठ घंटे के अंदर हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्शन हो जाएगी uh, और इसी बेसिस के ऊपर जैसे मैंने बताया कि वेज इंसेंटिव प्लान्स डेवलप किए जा सकते हैं कि लड़से अगर पर आर प्रोडक्शन रेट एक नॉर्मल एवरेज वर्कर का फिफ्टी यूनिट्स है और वो अगर फिफ्टी से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उस बेसिस के ऊपर उसको आ, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आ, इस इसी बेसिस के ऊपर आप इम्प्लॉयिज़ की एफिशिएंसी और सुपरविजन को भी डिटरमिन करते हैं आर, लेबर स्टैंडर्ड्स के दे आर फोर वेज जिससे हम लेबर स्टैंडर्ड बनाते हैं एक तो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दूसरा टाइम स्टडीज जैसे मैंने बताया कि फ्रेडरिक टेलर 1881 के अंदर इसको लेकर आया था और फिर इसको लिलियन और फ्रैंक गिलबर्ट ने आ, उसमें एडवांसमेंट की और लेबर स्टैंडर्ड्स डेवलप किए देन देयर इज़ प्री डिटर्मिन टाइम स्टैंडर्ड्स उसके बेस पर हम स्टैंडर्ड uh, डेवलप कर लेते हैं फिर देयर इज़ वर्क सैम्पलिंग टेक्निक जिसके बेसिस के ऊपर हम uh, ये स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं